दूध की नहर मुझसे नहीं निकलने वाली, नाम चाहे मेरा फरहाद भी रखा जाए। विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, नाम में क्या रखा है, किसी चीज का नाम बदल देने से भी चीज वही रहेगी। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाब ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। आपका व्यवहार, गुण, अवगुण, ये सब बाद की बातें हैं। आपका नाम हमारे दिमाग में आपका एक खाका खींच देता है। जैसे नाम अकबर हो तो आप उसे मुसलमान समझते हैं, और नाम राम है तो हिंदू लगने लगता है। बाकी आजकल नाम धाम से ही काम चल रहा है, क्योंकि हर नाम कुछ कहता है। आजकल पूरी पॉलिटिक्स जो है नाम पर चल रही है, लेकिन ये कोई आज की बात ही नहीं है। आजकल थोड़ा सा मौसम गर्मा गया है, माहौल गर्मा गया, लेकिन जो सरकार आती है, जो पार्टी आती है, वो नाम बदलने लगती है। हर एक का अपना एक एजेंडा होता है। सत्य की विजय में हम चर्चा कर रहे हैं नामों के बदलने की राजनीति को। सबसे पहले अगर हम देखें कि यदि किस तरह से नाम बदलने का काम होता है, मायावती शासन को देखिए उत्तर प्रदेश का, जिसमें कई जिलों के नाम बदले गए। हापुड़ जिले का नाम पंचशील नगर कर दिया गया, हाथरस जिले का नाम महामाया नगर किया, फिर अमरोहा जिले को ज्योतिबा फुले नगर कहा गया और कासगंज जिले का नाम काशीराम नगर कर दिया गया। क्योंकि मायावती की पॉलिटिक्स चलती थी दलित पॉलिटिक्स, और उन्होंने दलित संतों, दलित नेताओं और काशीराम तक उन जिलों का नाम बदल के अपनी राजनीति चमकाई। अब बात करें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, तो उनके ज़माने में भी बहुत सारे नामों को बदला गया। उनका नाम बदल कर दूसरा नाम कर दिया, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स दूसरी चलती थी। अखिलेश ने काशीराम नगर की जगह कासगंज कर दिया गया, रमाबाई नगर की जगह उसे कानपुर देहात कर दिया गया, और प्रबुद्ध नगर की जगह शामली हो गया। छत्रपति शाहू जी महाराज, जो मायावती जी ने नाम रखा था, वो फिर से अमेठी हो गया। अब आते हैं हम योगी शासनकाल में, जो पिछला योगी सरकार का शासनकाल था, और अभी जो शासनकाल हुआ उसमें इलाहाबाद, जो सबसे बड़ा एक नाम बदला गया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद जिला, जिसे हम लोग अयोध्या के हिस्से का एक बड़ा जिला मानते थे, अयोध्या फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। यूपी के इन शहरों के नाम बदलने का भी काम अभी चल रहा है, प्रपोजल चल रहा है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की चर्चा हो रही है, आगरा का नाम बदलकर अग्रवन बनाने की बात हो रही है, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर किया जा रहा है, और फरुखाबाद को पांचाल नगर बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये सब नाम चल रहे हैं। इन नाम की पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, मंशा क्या है, इस सब पर चर्चा करेंगे हम आज सत्य की विजय में। कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का, सपा का शासन हो या बसपा का, तमाम राजनेता वोट बैंक को रिझाने के लिए सड़कों और शहरों के नाम बदलते रहे। मायावती और अखिलेश यादव के बाद यूपी में नाम बदलने की राजनीति योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इलाहाबाद, मुगलसराय, फैजाबाद का नाम बदल दिया था। मायावती ने अपनी सरकार यानी 2007 और 2012 के बीच शामली जिले का प्रबुद्ध नगर, संभल जिले का भीमनगर, हापुड़ जिले का पंचशील नगर, हाथरस जिले का महामाया नगर, अमरोहा जिले का ज्योतिबा फूले नगर, कासगंज जिले का कांशीराम नगर, अमेठी जिले का छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, कानपुर देहात का रमाबाई नगर और भदोही जिले का संत रविदास नगर रखा था। साल 2012 में अखिलेश यादव जब यूपी के सीएम बने, तो उन्होंने मायावती शासनकाल में बदले गए सभी 9 जिलों के नामों को फिर से पलट दिया। सभी जिलों को उनके पहले का नाम वापस किया गया। उन्होंने प्रबुद्ध नगर की जगह शामली, भीमनगर की जगह संभल, पंचशील नगर की जगह हापुड़, महामाया नगर की जगह हाथरस,
ज्योतिबा फुले नगर की जगह अमरोहा, कांशीराम नगर की जगह कासगंज, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की जगह अमेठी, रमाबाई नगर की जगह कानपुर देहात और संत रविदास नगर का नाम भदोही कर दिया था। योगी सरकार ने 2017 में सरकार के गठन के बाद सबसे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने की कवायद शुरू की। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। इसके बाद योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। वहीं योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। यूपी के इन शहरों के नाम बदलने की अभी मांग हो रही है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो सकता है, आगरा का नाम बदलकर अग्रवन हो सकता है, फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो सकता है, फरुखाबाद का बदलकर पांचाल नगर हो सकता है, गाजीपुर का नाम बदलकर गढ़ीपुरी करने की मांग उठाई जा चुकी है। इसके अलावा आजमगढ़, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर का नाम भी बदलने की मांग योगी सरकार में उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हर नाम कुछ कहता है। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नाम से चलने वाली पॉलिटिक्स की। नाम की पॉलिटिक्स क्या है, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊं, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या शहरों सड़कों का नाम बदलना सही है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। आप अपनी राय हाँ या ना करके दे सकते हैं। ट्विटर पर भी अपनी राय लिखकर हमें दे सकते हैं कि क्या शहरों सड़कों का नाम बदलना सही है। इस राय का, इस पोल का जो नतीजा है वो हम हमारे कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। अब चर्चा करते हैं कि हमारे मेहमानों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सैयद जव्वाद साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, जितेंद्र खुराना साहब हमारे साथ हैं हिंदू एक्टिविस्ट, संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंकित अग्रवाल इतिहासकार, साध्वी कंचन गिरी जी हिंदू धर्माचार्य भी हमारे साथ हैं और शेख अलीमुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी कंचन गिरी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि नाम तो एक ही होता है हिंदू धर्म में, राम का नाम, अब ये रोज़ रोज़ नाम बदल कर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, इतिहास गवाह है कि सनातनियों की भूमि थी, नाम भी सनातन था, हर जगह का तक्षशिला से उसका नाम चेंज कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम, जब मुगल शासन आए हर जगह का नाम चेंज किया, हर रोड का नाम चेंज किया है, तो क्या हम अपना नाम दोबारा पुनः परिवर्तन नहीं मुगल कर सकते? मुगल शासन में कितने शहरों के नाम बदल गए, मुझे बहुत याद नहीं। सारे शहर के नाम बदल गए, आप पढ़ लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कितने शहरों का नाम बदला गया, कितने रोड के नाम बदले गए, कितने इमारत के नाम बदले गए, कितने मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया गया। वो हिसाब आप करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी चीज का, अगर अपना चीज अगर हम वापस लेना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर ये आपके पास लैपटॉप रखा हुआ है, वो मैं छीन लूं, तो क्या आप उसे वापस लेने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल वही काम आज हम लोग कर रहे हैं, आज वही काम योगी सरकार कर रही है, तो उसमें क्या बुराई है? क्यों लोगों को मिर्ची लग रही है भाई कि ये आप गलत कर रहे हैं? पहले ही सनातनों की भूमि थी, जगह जगह सनातनियों का चिन्ह है, जो आज भी इतिहास गवाह है इस बात का। और आप ये देखिए, चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे आपका कृष्ण जन्मभूमि हो, सब जगह हिंदुओं के ही चिन्ह मिल रहा है, चाहे राम जन्मभूमि था वहाँ भी चिन्ह मिल रहा है, लेकिन आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जगह का भी नाम क्यों नहीं भगत सिंह के नाम से रोड रखा जाए, जिसने देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दी? क्यों नहीं गुरु नानक जी का नाम रखा जाए, जिनके चार बच्चों को उन लोगों ने, मुगलों ने, उनके नाम पर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन है, मुगलों ने क्या किया देश के लिए ये बता दीजिए मुझे। चोरी, इस पर अलग से चर्चा करेंगे हम कि मुगलों ने क्या किया है, छीना झपटी किया। और संगम लाल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। गुप्ता जी, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे, कुछ देश का सुधार करेंगे, कोविड से जो लोगों का नुकसान हुआ उसका फायदा करेंगे,
अभी आपका टाइम मिला है कुछ नाम बदलने से, बोर्ड बदलने से? देखिए हम नहीं नाम बदलना क्या, आज भी हम औरंगजेब के जमाने के लिए हम याद रखेंगे जी? आज भी हम अकबर को याद रखेंगे? आज भी हम क्या हुमायूं को याद रखेंगे? आज भी क्या हम क्या नाराजगी क्या अकबर से क्या नाराजगी? क्यों ना गुरु गोविंद सिंह को याद रखें जी? नहीं नहीं अरे भाई उन्होंने नहीं, अकबर से नाराजगी जिन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने महाराणा प्रताप ने अपनी राजपुताना शान के लिए उन्होंने घास की रोटियां खाई, तो क्यों ना हम महाराणा प्रताप का नाम नहीं रख सकते हैं? तो मानसिंह रोड का नाम क्यों बदलेंगे? मानसिंह जो है अकबर के, क्यों ना हम अब्दुल कलाम, मानसिंह जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे मेरे हिसाब से, तो मानसिंह रोड का नाम भी बदल दीजिए अकबर रोड के साथ साथ। नहीं नहीं हमारा कहने हम बदलेंगे जो भी होगा औरंगजेब, और हमको बताइए कि औरंगजेब महान थे या अब्दुल कलाम महान थे? भाई हम अब्दुल कलाम का नाम रखेंगे जिन्होंने, जिसको हमने भारत रत्न या देश की मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, इसलिए एक आतंकी की जगह मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम हम रोड को होना चाहिए जी। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद के नाम रखेंगे जी, गुप्ता जी, हम हुमायूं की जगह महर्षि वाल्मीकि का नाम रखेंगे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस ने शाहजहां रोड को हम जनरल बिपिन सिंह रावत के नाम रखेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, ये परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने तो सारी चीजों का नाम बदल के गांधी परिवार पर कर दिया, अब वो गांधी परिवार की योजनाओं के नाम भी बदल रहे हैं, देश में शहरों के नाम भी बदल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे शहरों के बहुत सारी सड़कों के नाम बदले गए हैं, तो इसमें नया क्या है? आपने जो काम किया उसको कुछ बदलने का काम कर रही है पार्टी? ऐसा है विजय भाई, पहले तो आपको बधाई, मैं आज पहली बार आपके चैनल पर आ रहा हूँ जी। शुक्रिया आपको, आपने मेरा आवाज गूंज रही है, ये आप बोल रही है। अच्छा मैं बोलता हूँ पीसीआर को कि थोड़ा सा मेरी आवाज मुझे मिल रही है। सुरेंद्र जी क्या ऑडियो देखिएगा, तब तक मैं सैयद जवाद साहब से जानना चाहता हूँ। जवाद साहब, जो संगम जी कह रहे हैं, साध्वी जी कह रही हैं, उसमें क्या परेशानी है? वो कह रहे हैं कि जो लोग आताई थे, जो आक्रमणकारी थे, उनका नाम बदल कर हम हमारे जो लोग हैं उन पर रख दिया जाए। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे साध्वी जी बैठी हैं जी, इन सब का जो इतिहास है वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखता है, और आरएसएस का इतिहास वो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से रहा हुआ है, किस तरीके से अंग्रेजों की, अरे इनको रोकेंगे आप जी, अब उनको बोलने दीजिए। सही आप मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल लेकर भगवान श्री राम, मैं लेकर के आता हूँ, मैं इसलिए लेकर के आता हूँ, प्रताप रहे खामोश कराएंगे। आरएसएस कहाँ से आ गए? आरएसएस को बोलने दीजिए साध्वी जी, आपने बोला। साध्वी जी आपको बताऊँ, प्रभु श्री राम जी के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने शेर लिखा, और वो शेर अशार कहने वाला शख्स अल्लामा इकबाल, जिसने वो शेर कहा है, राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज है, राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम है, ये लिखा, ये लिखा। अरे अरे सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, रीजन क्या है? अब आप देखिए त्रिवेदी जी, बात सुन लीजिए त्रिवेदी साहब, देखिए क्या है, ये मुगल को आक्रांता बोलते हैं कि मुगल आए, उन्होंने बड़ी चीजें तोड़ी और बढ़ानी चीजें कर दी और ऐसा कर दिया, ये मुगलों के बारे में खूब बोलेंगे जी। लेकिन अंग्रेजों के बारे में एक अल्फाज नहीं बोलते जी, कि अंग्रेजों ने क्या जुल्म करा, क्या जाति करी और क्या क्या चीजें तोड़ी और क्या क्या चीजें बनाई, उनके बारे में एक अल्फाज नहीं बोलते। आज भी हमारे देश में अंग्रेजों का, देखिए देखिए अंग्रेजों का नाम लिया तकलीफ होने लगी, अंग्रेजों की बूट पॉलिश बहुत अच्छी करते थे, उनका नाम लेती तकलीफ होने लगी, 60-60 रुपए करते होंगे, 60-60 रुपए लेता था, अरे सुन अंग्रेजों को भी 60-60 रुपए लेकर के तुगलक अंग्रेजों के जो लोग सोच को बदलेंगे, आज वो राष्ट्रवाद का सपोर्ट करते हैं। और रही बात आपको बताऊं, रामचरितमानस वो भी मुगलों के दौर में लिखी गई, उसके बाद आज भी हमारे यहाँ रामपुर मौजूद है, वो भी मुगलों के दौर में है, सीतापुर भी मौजूद है, और अयोध्या भी, आप
सच इतना भयानक है कि वो सुन नहीं पाएंगे और बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ता उम्र जो है के साथ जो है वो जो है महिमा मंडन करते रहे, 60-60 रुपए मिलते थे, लेते रहे, अपना गुजारा करते रहे। पूछ रहा हूँ जो आरएसएस की विचारधारा से निकले हो, अंग्रेज ने जाके जितेंद्र जी निकले होंगे जी। अच्छा सुनिए, ठीक है, जितेंद्र जी सीधी बात कीजिए, ठीक है जितेंद्र जी बताइए, जो सैयद साहब कह रहे हैं बात, जवाब साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है ना, अंग्रेजों से ऐतराज नहीं है आपको, केवल मुगलों से ऐतराज है। बिल्कुल अंग्रेजों से ऐतराज है, तो तोड़िए ना अंग्रेजों की बनाई हुई जो हिंदुस्तान के अंदर सीमाएं हैं। देखिए ऐसे चर्चा मुझसे पूछा, आज यूएन के खिलाफ, ठीक है जवाब साहब, यूएन है जी, बात बड़ी सिंपल बड़ी साधारण ये है कि बदलने की जो आवश्यकता है हमें, अगर मैं अपनी बात करूं, समस्या किससे है, समस्या मुसलमानों से है, मुस्लिम नाम से है, या उनसे है जो हमसे घृणा करते रहे हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो एपीजे जो ये एक रोड था औरंगजेब लेन, उसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे किया गया। अंग्रेजों की बात करी तो डलहौजी लेन का नाम करके दाराशिको पे किया गया, दाराशिको लेन किया गया। अभी कुछ वर्ष हुए हैं इस बात को जी। अंग्रेजों से भी है, बिल्कुल है, लेकिन क्या है वो चले गए, अब उनका समर्थन करने वाले तो यहाँ पर है नहीं जी। बदलने वो भी चाहिए, जफार साहब तो मेरे दोस्त, लोग मेरे मित्र, मेरे मौजूद हैं, बंधु अंग्रेजों की आज भी तायिद करते हैं। बंधु मेरी बात, अरे मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, मैं आपकी बात, अंग्रेजों का भी बिल्कुल बदलना चाहिए। अंग्रेज आक्रांता, आक्रांता लुटेरे थे, अंग्रेज लुटेरे थे, और सुनिए लुटेरे, अरे आपको पता है अंग्रेजों के भी नाम हम चेंज करेंगे, बताइए अंग्रेज आक्रांता थे, और मुगलों के भी नाम हम चेंज करेंगे, आक्रांता थे, हमारे जो महापुरुष है जी, हम उनके नाम पार्लियामेंट को बदल रहे हैं, अब वो हमारे देश से बदला बन गया बन गया, लेकिन लेकिन बड़ी हैरत की बात है, देखिए अहमदाबाद की बात है, नई संसद का नाम रख दिया, जवाब साहब शांति रखिए थोड़ा सा, जवाब साहब बात सुन ले, बात सुन लीजिए, प्रयाग का नाम, मेरी बात, प्रयाग का ऐतिहासिक पौराणिक नाम हजारों वर्षों से प्रयाग था जी, उसको इलाहाबाद किसने किया, क्या तो इलाहाबाद से क्या फर्क पड़ रहा है, पड़ रहा जी, क्या क्या जरूरत थी, जरूरत क्या थी, डॉक्टर रामकेदर ठीक है, जरूरत क्या, महंगाई का नाम बदल दीजिए, महंगाई किसी के पिताजी का नाम शेर सिंह हो, उसको गदा सिंह कहो या मैं ऐसा कहूँ, किसी को डॉक्टर अंकित ठीक है, डॉक्टर अंकित अग्रवाल ठीक है, जवाब साहब और लोगों से बात कर लेते हैं, विजय जी मैं तभी बोल पाऊंगा जब ये लोग बोलने का अवसर दे, सबकी आवाज आएगी तो बोल नहीं पाएंगे, शांति थोड़ा सा शांति, डॉक्टर अंकित अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए जी, सुन लीजिए एक बार, डॉक्टर अंकित आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इतिहास की कहानी क्या है, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास आऊंगा, उनका ऑडियो ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर अंकित अग्रवाल आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए हमारा इसको इतिहास को लेकर। विजय जी मुझे लगता है कि जो शहरों के नामकरण की हम बात करते हैं तो उसे हमें नामकरण करते हुए उसके सांस्कृतिक या पर्यटक के पहलू को देखना चाहिए जब हम किसी भी ऐतिहासिक शहर या ऐतिहासिक ढांचे की बात करते हैं। सो सर्वप्रथम किसी भी जगह का जो नाम हम रखते हैं वो उस पर आधारित होना चाहिए, जब भी राजनीतिक रूप से किसी भी जगह का नाम बदला जाएगा तो वो उचित नहीं होगा। अभी प्रश्न हो रहा था डलहौजी, अकबर, औरंगजेब, मुझे लगता है कि अगर भगत सिंह के नाम पे रोड क्यों नहीं होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे क्यों नहीं रोड होनी चाहिए, महात्मा गांधी के नाम पे क्यों नहीं रोड होनी चाहिए, तो महात्मा गांधी के नाम पर तो बहुत रोड्स हैं सर, किसके नाम पर नहीं है, भगत सिंह के नाम पर भी है, गुरु नानक के नाम पर भी है सर,
नाथूराम गोडसे की जय मनाया जाता है हिंदुस्तान में, गांधी का नाम लेते ही तकलीफ होने लगेगी। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, आरएसएस के किसी नेता के नाम पे तो कोई दोष नहीं हो रही। अरे भाई नहीं हो रहा, समस्या ये है, नहीं हो रहा ना, वो जो असली नाम है कि जय का नारा लगाओ, असली नाम गांधी नेतावाद का नारा लगाते हैं, और नारा का नाम सारा शिव था, और गांधी की विजय धारा से नफरत, समानवाद का नाम तारा शिव था। ठीक है, जितेंद्र जी बात समझ में, आपकी बात समझ में आ गई। जवाब साहब क्या ठीक है, शेख अलीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजी जी एक मिनट, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो जाएगी जी? ठीक है, अधिकार कम नहीं, जितेंद्र जी ठीक है, वो आपके पास अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। नफरत क्यों कर रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, उससे आगे मत बढ़िए अपनी सीमाओं से, वो आपके पास अधिकार नहीं किसकी नागरिकता रहेगी नहीं रहेगी। शेख अलीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख अलीमुद्दीन साहब, जो बात हो रही है कि बार बार जो हमारे रोल मॉडल हैं, हीरोज हैं, उन पर नाम क्यों नहीं रखा जाए, क्या परेशानी है इसमें? परेशानी की क्या जरूरत है जी? लेकिन इनको क्या परेशानी है कि इतने नाम रखे गए पुराने जो मशहूर हैं? उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज बताता हूँ जी, बनारस का नाम काशी बदल दिया, क्या बनारस नहीं कहते? क्या इलाहाबाद का नाम बदल दिया, या अयोध्या का नाम बदल दिया, फैजाबाद का नाम, क्या लोग फैजाबाद नहीं कहते? ये सस्ती सियासत के भूखे जो सत्ता पक्षी हैं, उनको इसमें सब में जो है घिन आती है। क्यों आती है? क्या शाहनवाज को वो बर्दाश्त कर रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान को बर्दाश्त कर रहे हैं? एम जी अकबर को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? उनका नाम भी तो अकबर है, एम जी अकबर का बताइए ना। शाहनवाज हुसैन का भी पहले शाहनवाज हुसैन पहले इनका नाम करने के लिए, फिर रोडों का नाम करने के लिए। आप्रांता की सोच से है, आप्रांता की सोच से समस्या है, आप सोच समस्या नहीं है, आप सोच का है। हम उनको आप सोच रहे कोई देख, मैं जो पहले नाम था आक्रांता ने जबरदस्ती अपनी ताकत से दबे बदल दिया, आज सद्भाव के साथ बदल रहे हैं, तो आपको लेकिन जितेंद्र जी आपको स्वागत करना चाहिए ना, जी नाम बदलने से स्वागत करना चाहिए, वापस नहीं, नाम बदलने से क्या बदल रहा है? देखिए हैदराबाद का नाम क्या, जितेंद्र जी नाम बदलने से क्या आम आदमी की स्थिति सुधर रही है? दोनों चीजें अलग है ना, मुझे स्वाभिमान कुछ नहीं होता क्या? मुझे स्वाभिमान कुछ नहीं होता, आप कुछ लेना चाहते हो, कुतर्क है, ये कुतर्क है। उसको जबरदस्ती महंगाई, यहाँ बेरोजगारी रेटों में, अरे वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, बेरोजगारी पे बात करो, वो अलग चीज है, युवा सारा भटक रहा है, यहाँ पे युवा सारा भटक रहा है, उसकी बात करो ना। आप पेट्रोल को लाइट कीजिए, आप तेल को कंट्रोल कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पे चर्चा करेंगे साथियों, साजी जी इस पर चर्चा करेंगे, और अभी छोटा वक्त है, जितेंद्र साजी जी आते हैं आपके पास, आते हैं वक्त एक ब्रेक पर जाने का है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम आज के जो पोल है उसका सवाल आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज जो पोल का सवाल हमने रखा है कि क्या शहरों सड़कों का नाम बदलना सही है, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर, जिसका नतीजा जिसका रिजल्ट हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप मत ये कहें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नाम बदलने की राजनीति पर, कुछ दर्शकों ने भी ट्वीट किया है, एक ट्वीट है कि नाम बदलने से ना तो कांग्रेस का भला हुआ और ना ही बीजेपी का भला होगा। ये आयुष मिश्र ने ट्वीट किया है कि नाम बदलने से ना तो कांग्रेस का भला हुआ ना बीजेपी का भला होगा। जरा सोचिए, बिना पूछे आपका नाम बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा? मनोज दुबे ने ट्वीट करके पूछा है कि नाम बदलने वालों जहां शहर की सूरत भी बदल दो। ये रेहान साहब लिख रहे हैं कि नाम बदलने से ना तो कांग्रेस का भला हुआ और ना ही बीजेपी का, ये भी ट्वीट है। जरा सोचिए, बिना पूछे आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? संगम जी आपसे मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि आप इतने विद्वान लोग हैं, आपकी पार्टी की इतनी ताकत है, डबल इंजन की सरकार है, ये कहां नाम वाम के झमेले में पड़ गए हैं? हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुप्ता साहब मेरी आवाज आ रही है? विजय बोल रहा हूँ। संपर्क शायद हमारा टूट रहा है। सुरेंद्र जी से बात हो सकती है हमारे? सुरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है मेरे?
सुरेंद्र जी के पास भी हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। साध्वी जी, एक बात बताइए कि आप इतना काम करते हैं, समाज में काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म में काम कर रहे हैं, तो कुछ धर्म के लिए, कुछ जनता के लिए बेहतर काम कीजिए। नाम बदलने से क्या होगा? देखिए, बेहतर तो काम हो रहा है, क्या मेरी चीज छीन ली? मुझे बताइए, नाम बदलने से क्या फायदा हो जाएगा? ये होगा, जो हमारा अस्तित्व था वो दोबारा अस्तित्व हमारा वापस होगा, तो इसलिए हम नाम बदला जा रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया। कांग्रेस सरकार ने, अगर आज हो रही है तो सबको दिक्कत क्या है? अगर ये नाम अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम मुगलों के ही गली में घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा है जो सच्चाई है, जो सत्य था, वो सत्य आगे आ जाए वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सत्य था सनातनियों का जगत है, सनातन के जन्मभूमि रही है, ये पृथ्वीराज चौहान की जन्मभूमि है, महाराणा प्रताप। जवाब साहब को, जवाब साहब आपका जवाब दे रहे हैं। जवाब साहब बताइए, नाम बदलने की जिन साहब ने परंपरा स्टार्ट करी थी, ऊपर वाले का करना देखिए कैसे होता है, कि उनके ही तीन नाम बदले जा चुके हैं। कैसे? पहले अजय सिंह बिश नाम था, उसके बाद उन्होंने भगवा धारण करा, भगवा धारण करा, उनका नाम हो गया योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल, आज मीडिया के अंदर, आज मीडिया के अंदर उनका नाम प्रचलित है, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा के नाम से होगा। मैं बताता हूँ, देखिए, आप ये कह रहे हैं मुगल अक्रांता है, मुगल ये, आप बहादुर शाह जफर को क्या मानते हैं, अक्रांता थे या क्रांतिकारी थे? आप टीपू सुल्तान को क्या मानते हैं? अक्रांता। आप टीपू सुल्तान को अक्रांता, टीपू सुल्तान अक्रांता। ये अलग बात, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने इस्लामी स्टेट बनाने के लिए। सुरेंद्र जी, चलिए, ठीक है, जितेंद्र जी, ठीक है, जितेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी के पास मैं आना चाहता हूँ। को तुड़वाने वाला व्यक्ति टीपू सुल्तान, ठीक है, लड़ रहा था अपने जमात साहब, ठीक है, इस्लामिक राज्य। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? को सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए हिंदुओं के लिए नहीं लड़ा था टीपू सुल्तान, नहीं पता दूसरी, आपको नहीं पता, मैंने तो पढ़ा है। जितेंद्र जी, आप जमा साहब, शांति रखिए थोड़ा सा, संगम लाल जी हमारे साथ है, साध्वी जी, साध्वी जी शांति रखिए, ठीक है, संगम लाल गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अच्छी भले डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करते करते ये नाम के झमेले में क्यों पड़ गए हैं? आपको भरोसा नहीं है कि आपके काम से ही काम चल जाएगा? नहीं, हम नहीं 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 विजय जी, हम पूछना चाहते हैं कि हम आज भी मुगलों को याद रखें? अरे, मुगलों का बनाया हुआ रामपुर, आप बताइए हमको, सीतापुर का नाम कब बदलेंगे? आप कहते हैं, नहीं नहीं, आप कहते हैं कि इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों कर दिए? नहीं नहीं, आप कहते हैं कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए? अरे, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज इसके लिए कर दिया गया क्यों? एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है वो, गंगा जमुना सरस्वती, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, गुप्ता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ काम अच्छा कर रहा है? पूरे देश से लोग बारे में क्या कहेंगे? देश से लोग आते हैं, आप कहते हैं सीतापुर के बारे में क्या कहेंगे? अयोध्या क्यों कर दिया? राम और सीतापुर, रामपुर और सीतापुर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अंग्रेजों के, वो मुगलों के दौर में रखा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? कब नाम बदलेंगे? वो भी मुगलों ने रखा हुआ, ये देश को भ्रमित करना छोड़ दीजिए, बताइए महंगाई का नाम क्या रखेंगे? बेरोजगारी का नाम क्या रखेंगे? इसके ऊपर जवाब दे, किसी को तकलीफ हो रही है, महल का नाम अकबर रख दे, जवाब साहब, अपने महल का नाम औरंगजेब रख दे, जवाब साहब शांति रखिए।
गुप्ता साहब मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो दावा करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करके ही नाम कमा लीजिए। ये नाम बदल कर नाम कमाने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ अच्छा काम करके नाम कमाइए। विकास भी करेंगे हम, विकास भी करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, हम उस मंत्र को लेके चलेंगे। वो विकास मगर हम नाम है? को भी बदलेंगे, भारत की जनता ढूंढ रही है उस विकास को, जो 8-9 साल का होने जा रहा है। विकास दिखी रहा कहाँ पर है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी कहाँ पर है? नहीं, नहीं, आप पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, विकास नहीं दिख रही है। 35 रुपए मिलेगा नसीब वाला चाहिए, जिसके आने से जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं। बोल लीजिए जवाब साहब, थोड़ा सा बोलने तो दीजिए आप उनको, गुप्ता जी को बोलने दीजिए जी। नहीं नहीं, आप अपने मानसिकता से बाहर निकलिए भाई जी। आप कहेंगे औरंगजेब का नाम रखिए क्यों हटा देंगे, आप कहेंगे मुगलों का नाम क्यों हटा देंगे, तो हमारे जो शहीद हुए हमारे ऋषि मुनि हैं, हम उनका नाम क्यों नहीं दीजिए जी? बहादुर शाह जफर पे भी तो आप जवाब दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर अंकित अग्रवाल, डॉक्टर अंकित अग्रवाल मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई के अंदर अपने बच्चों को नया नहीं है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल, डॉक्टर अंकित अग्रवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जो इतिहास की हम चर्चा बार बार करते हैं और नाम बदलने की परंपरा कोई नई भी नहीं है, तो इतना विवाद अब क्यों हो रहा है आजकल नाम बदलने को लेकर, और नाम बदलने से क्या फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा समझाइए मुझे जी। जी विजय जी, दो बातें। पहली बात तो ये है, ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषय है जिसके राजनीतिकरण के कारण ये विवाद उत्पन्न होता है जी। दूसरी बात, नाम जो बदलना है, जैसे अभी उदाहरण दिया इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, प्रयागराज एक तीर्थ की तरह ज्यादा व्याख्यात है, ज्यादा उसकी व्याख्या है। सो ऐसे में अगर हम किसी विख्यात नाम से रखते हैं तो उससे निश्चित रूप से हमारा पर्यटन बढ़ता है। दूसरी बात, सांस्कृतिक गौरव को दर्शाने का भी एक माध्यम है कोई नाम रखना जी। तो जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं या ऐसे स्थल है जिनका सांस्कृतिक गौरव है, तो उस गौरव को हम अपने जो भारतीय हैं उनके बीच में पहुंचाएं। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से तो मुझे लगता है वो कोई गलत नहीं है, नाम बदलना गलत नहीं है, नाम बदलना गलत नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, करना या राजनीतिक उद्देश्य से, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अब मेरी आवाज मिल रही होगी। सुरेंद्र जी माफी चाहता हूं कि आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा, आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सर ये बहस बहुत लंबी हो गई, आपको बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया आपसे बात करने का। मुझे बताइए, डॉक्टर अंकित अग्रवाल कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक गौरव की बात है और नाम बदलना गलत नहीं है, और यहाँ जो पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बदलना गलत है जी। राजपूत साहब, तीन बातें बड़ी साफ साफ हैं विजय भाई। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बात कनेक्शन बहुत मुश्किल हो रहा है शायद राजपूत साहब के साथ। शेख अलीमुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीमुद्दीन साहब आप बताइए कि क्या परेशानी है सांस्कृतिक गौरव को बरकरार रखने में? हिंदुस्तान हमारा हिस्टोरिकल मुल्क है जी। इसकी अलग पहचान है जी। ये जितने भी रोडों के नाम रखे किसी लिए मुस्लिम शासक ने नहीं रखे जी, किसी कांग्रेस ने नहीं रखे जी, ये अंग्रेजों के जमाने के नाम है। जो अंग्रेजों के हिमायती बैठे हुए बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अकबर रोड किसने किसने रखा नाम, चाचा रोड किसने नाम रखा, औरंगजेब रोड किसने नाम रखा, हिमायू रोड किसने नाम रखा? ठीक है सुरेंद्र जी, आप पूछिए ना कि आवाज मिल रही है जी। एक मिनट, मैं सुरेंद्र जी को मौका देना चाहता हूँ, सुरेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही है। सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए पहले, आपसे बार बार कनेक्शन कट रहा है इसलिए मैं आपको फिर से जी। मैं जी बढ़ाने का तरीका है, मैं विजय भाई बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने अनुसांगिक संगठन है वो एक तय कर ले, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, किस जिले का, किस सड़क का, किस गांव का, किस मजरे का, जिसका नाम जो चेंज करना है, एक बार एक लिस्ट ले आए और उसको चेंज कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं जी। मैं उसके बाद जब ये कर ले, एक बार कर ले, संसद में ले आए, विधानसभा में ले आए और एक बार अप्रूव करके, भाई नीचे से लेकर के ऊपर तक इनकी सरकार है, आप एक बार चेंज कर लीजिए।
एक बार चेंज करने के बाद फॉर गॉड सेक आप असलियत के मुद्दों पर आ जाइए जी। लेकिन सर ये नाम बदलने की परंपरा तो आपकी पार्टी ने शुरू की ना, बेरोजगारी की बात होने राजपूत साहब, ये नाम बदलने की परंपरा तो आपकी पार्टी ने शुरू की ना। मैं एक बात त्रिवेदी जी, एक तो इंदिरा गांधी चीजें बड़ी साफ है जी, अगर हमने कहीं कोई कमी की है जी, अगर अगर विजय जी अगर हमने कहीं कोई कमी की है जी, तो अगर अरे भाई बड़ा मसला है ये मुझे बीच में विजय भाई क्या मैं बोलूं, आप बोलिए। जो हमने अगर कोई कांग्रेस ने अगर कोई कमी की है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमियों के पीछे शिखंडी बनकर के क्यों छुपना चाहती है? हमने कमी की है तो हम हार गए ना चुनाव, आप हमारी कमी के पीछे छुप करके आप भी चुनाव हारना चाहते हैं क्या? से आप ना देखिए, आप काम अच्छा करने के लिए आए हैं जी। आप अगर हम अगर पेट्रोल के दाम कम करने के लिए आए हैं कि आप ज्यादा करने के लिए आए हैं? बेरोजगारी कम करने के लिए आए हैं कि ज्यादा करने के लिए आए हैं? या आप वही गलती करने के लिए आए हैं जो कांग्रेस ने की थी? अगर कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी तो आप अघोषित इमरजेंसी लगा करके आप क्या साबित? लेकिन राजपूत साहब अभी भी भूपेश बघेल जी नाम बदल रहे हैं, निवेदन कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में, आप उनको समझाइए, आपके मित्र हैं भूपेश बघेल साहब भी छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे नाम बदल रहे हैं आपके मित्र हैं। कौन सा नाम बदला उन्होंने? अभी अभी नई योजनाओं का नाम उन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पर किया। पिछले छह महीने में उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर कई योजनाओं की शुरुआत, मैं कह रहा हूँ राजीव गांधी जी के नाम पर अभी कोई पांच नाम बताइए। अभी इस पर बहस करने की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके मित्र हैं? अगर कोई पहली बात आपने मानी, सुन लीजिए, पहली बात आपने मानी, गलत बात करने का उत्तर दीजिए, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, के साथ बात कीजिए जी त्रिवेदी जी, माननीय त्रिवेदी जी, नहीं नहीं प्रश्न आप, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नंबर एक, नंबर दो, मेरी बात पूरी नहीं आ पाई, नहीं पूरी बात आप, विजय त्रिवेदी साहब आपको पूरा मौका दे रहा हूं, किसी नई योजना का नाम राहुल गांधी के नाम पर रख रहे हैं, राजीव गांधी के नाम पर रख रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। हाँ बिल्कुल रख रहे हैं, अगर किसान न्याय योजना राजीव गांधी के नाम पर रख रहे हैं और पुरानी सरकार ने किसान न्याय योजना दी ही नहीं थी जी, हाँ उन्होंने अगर नाम बदला हो तो बताइए। माननीय सुरेंद्र जी ये गलत बात है, माननीय सुरेंद्र जी उनके ऊपर बिना वजह का आरोप लगाना गलत है। माननीय सुरेंद्र जी, माननीय जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, निवेदन मैं तो खुद भी कह रहा हूँ आपसे कि साहब नाम बदल लीजिए एक बार, और एक बार नाम बदलने के बाद आप आ जाइए बेरोजगारी पर, आप आ जाइए महंगाई पर, आप आ जाइए, लेकिन जब आप बेरोजगारी को हटाने के लिए की जगह पर बेरोजगारों को हटाने की बात करते हैं तब आप जमीन में खोद करके विवाद निकालते हैं, और जब आप विवाद खोद करके निकालते हैं तब आप विषयांतर करते हैं। इतना समय काफी होता है, कहते हैं कि एक बार नाम बदल लीजिए, उनको मौका नहीं मिला था। गुप्ता जी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने कमी की उससे वो हार गए, तो उनसे सबक ले लीजिए ना संगम लाल जी, आप भी फिर से हारना चाहते हैं कांग्रेस की तरह से? नहीं, उनसे सबक ले लीजिए जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि हम विकास के तरफ हैं, हम युवाओं को स्टिल कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में कार्यकाल में सरकार उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को बैठे हुए सवाल करना है खाली जी। सुरेंद्र जी देखिए, पालम एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किसने किया? अगर वो गलत था तो दोबारा कर दे नाम हटा करके, आपने ना गलती करी तो आप उसे गलती मानते हैं क्या? आप मानते हैं एयरपोर्ट बना है? अरे मैं बोल रहा हूँ वो तो नया एयरपोर्ट बना है, पालम एयरपोर्ट अलग है, आप वो नाम बदलना ना, आपने वो नाम बदल दे, जानते हैं अंग्रेजों का नाम था, अरे तो कुछ अपने नाम कर दे, वो नाम रखना चाहते हैं इंदिरा गांधी के दलाल है। नहीं एक बात बताइए, इंदिरा गांधी नाम बदल रहा है अपने के नाम पर, ओहो आप सुनिए मुझे एक बात बताइए, वो स्थान अंग्रेजों का नाम हम बदलेंगे उनको प्रधानमंत्री बनाकर, मेरा नाम बदला ना आपने, पाकिस्तान को नेहरू जी आपका जवाब तो नहीं,
राजपूत जी को नेहरू जी के बारे में क्या बात हो रही है? आपको क्या क्या बात करेंगे आप नेहरू जी के बारे में? बहुत गलत बयानबाजी है। आपके जी को जवाब दे दीजिए। आपके ऊपर इसके ऊपर आपकी शिकायत होना चाहिए। आपके आप नेहरू जी के बारे में क्या बयानबाजी? साध्वी जी आप मैं अच्छा बात का खंडन सुरेंद्र जी को बिल्कुल इस चीज का करता हूँ किस तरीके से नेहरू जी के बारे में आपत्तिजनक बात करेंगे। सुरेंद्र जी को जवाब तो देने दीजिए। जवाब साहब को सुरेंद्र जी बोल रहे हैं सत्य है, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं बता आपको सत्य है। बगैर पढ़ करके आती हैं आप, राजपूत जी को बोल रहे हैं, राजपूत जी बोल रहे हैं। आप नेहरू जी की कुर्बानियों को भूल जाएंगे? जवाब साहब आप बात कर रही हैं, जवाब साहब ठीक है साध्वी जी, शांति रखिए, बदलने की शांति रखिए थोड़ा सा। आपकी विचारधारा से साध्वी जी ऐसे नहीं चलेगा। सुरेंद्र जी को बोल, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी को लेकिन जवाब साहब आप ही नहीं बोलेंगे। जवाब साहब सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, सुरेंद्र जी अच्छा आप शांति रखिए। सुरेंद्र जी आप बोलिए, उनको जवाब देने दीजिए ना। दो बातें बड़ी साफ हैं। जो लोग बिना पढ़े लिखे जाहिलियत की बात करते हैं वही नेहरू के ऊपर आपत्ति उठा सकते हैं। पढ़े लिखे हैं और एक बार नेहरू जी के ऊपर आपत्ति उठाना ये सारे के सारे जाहिलों का काम है। यही ऐसे नहीं चलेगा साध्वी जी, ऐसे नहीं चलेगा साध्वी जी, साध्वी जी ऐसे नहीं। साध्वी जी शांति रखिए, समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठा लेते हैं। शांति रखिए साध्वी जी, शांति रखिए। भाजपा के नेता है, भाजपा के सांसद, ऐसे नहीं चलेगा ठीक है। लेकिन ये साध्वी जी कौन है मैं नहीं जानता, इनको जवाब देना मेरे ख्याल से इनके इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपसे ये पूछा है कि वो नाम साध्वी जी ऐसे नहीं है, लेकिन आपने अपने पार्टी के नाम पर आप भूल गए। थ्योरी में सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? प्लीज 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 भारत की टू नेशन जवाब साहब और लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैं तो भगत सिंह को अगर नेहरू जी शांति साध्वी जी को डाउन कीजिए, सुरेंद्र जी को बोल दीजिए ठीक है। साध्वी जी शांति रखिए प्लीज। जवाब साहब सारा जवाब आप ही को नहीं देना है। राजपूत जी बोल रहे हैं, राजपूत जी अब किसी का और का ऑडियो मत लीजिए। सुरेंद्र जी सर मैं आपसे अभी जैसे भगत सिंह जी के लिए इन लोगों ने कहा तो मैं एक तथ्यात्मक आपको दो जानकारियां दे देता हूं और इसको आप फैक्ट को चेक करा लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आप भी जी। मोहाली एयरपोर्ट का नाम हम लोगों ने कहा कि साहब सरदार भगत सिंह के नाम पर, अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, हरियाणा की भाजपा सरकार ने विरोध किया और उन्होंने कहा मंगत सिंह के नाम पर होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, 1991 में बड़ौदा एयरपोर्ट का नाम हमने सरदार पटेल के नाम पर रखने की बात की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक नहीं मैं 20 स्टोरी आपको भेज दूंगा, इन्होंने वहां पर विरोध किया कि सरदार पटेल के नाम पर हम भगत के उसका बड़ौदा एयरपोर्ट का नाम नहीं होने देंगे। इस तरीके की तो अब पालम के लिए इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, चूंकि अंग्रेजों का नाम पालम है उसको इंदिरा गांधी क्यों कर दिया? ये तो इनकी असली स्थितियां, हम तो कहते हैं नाम चेंज कर लीजिए ठीक है, फिर से कहते हैं आप दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर लीजिए, पुराना जी हो गए, किसी के भी नाम से कर लीजिए। हमें आपत्ति जवाब दे रहे हैं, हमें आपत्ति इस बात की है कि एक बार नाम को चेंज करने के बाद फिर आप असलियत के मुद्दों पर आ जाइए, एक बार नाम चेंज कर लीजिए ठीक है। संगम लाल, संगम जी, संगम जी आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ, जो राजपूत जी पूछ रहे हैं। संगम जी आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि एक बार लिस्ट बना दीजिए, फाइनल कर दीजिए। नहीं नहीं देखिए जी, देखिए सरकार जहां से डिमांड आता है, जहां से जनता जनहित में डिमांड करती है कि ये नाम चेंज किया जाए, सरकार उसी पे अमल करती है ठीक है। जिसे प्रयागराज का वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने, देश के लोगों ने अयोध्या का, फैजाबाद को अयोध्या किया गया तो अयोध्या किया गया तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मन से कोई नाम चेंज करने जाती है। मंगवा लीजिए अखबारों में प्रकाशित करके और कई पूरे देश का नाम चेंज कर लीजिए ठीक है ठीक है। जितेंद्र जी एक मिनट, नहीं नहीं एक बार क्या, जब जब नहीं नहीं करवा लीजिए। जितेंद्र जी दोनों प्रवक्ता बैठे हैं यहां पर देश के बड़ी पार्टियों के माननीय प्रवक्ता, मेरा निवेदन है अगर आपको आपत्ति है उस सिटी में रेफरेंडम करा लीजिए।
ठीक है डॉक्टर अंकित अग्रवाल, बहुत बिल्कुल वक्त कम बचा है, बहुत छोटा सा आपका कमेंट। ये तो लोकतांत्रिक तरीका है खुराना जी, ठीक है डॉक्टर अग्रवाल छोटा सा कमेंट बिल्कुल। विजय जी, मैंने यहीं से शुरुआत की थी कि जब किसी भी विषय का राजनीतिकरण होता है तो ऐसा ही होता है। क्यों नहीं इंदिरा गांधी के नाम पे होना चाहिए, क्यों नहीं अटल जी के नाम पे होना चाहिए, उन ये सब हमारे देश के वरिष्ठ और मान्य लोग रहे हैं, इनके नाम पे बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नाम एक लिस्ट से नहीं बदला जा सकता, जैसे हमारे सुरेंद्र जी कह रहे हैं, ये किसी राजनीतिक कारण से नहीं बदला जाना चाहिए। इसके पीछे सांस्कृतिक कारण हो, पर्यटक का कारण हो, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, आज अयोध्या की पहचान फैजाबाद से ज्यादा बड़ी है, इसलिए अयोध्या होना चाहिए। छोटा सा कमेंट आपका, क्या ऐतराज का विषय है, एक कैसे नाम ये चाहे जितना नामकरण कर ले, लेकिन पुराने लोग हमारे कल्चर हमारा समाज में जो पहचान है वो बरकरार रहेगी, चाहे इलाहाबाद हो या फैजाबाद। हमारे से का मतलब है जा जा सब मुगल चलाए हो, यही सेपरेट सुनिए सुनिए क्षमता रखिए, हमारे की क्षमता रखिए, भारत की बात करिए ना, हिंदुस्तान का नाम भारत की बात करिए ना, भारत की बात हो रही है, हमारी में वो भारत का हिस्सा है, हमारी का मतलब भारत का हिस्सा है वो। जी जी, और शो की शुरुआत में हमने आपसे पोल पर एक सवाल पूछा था, पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या शहरों सड़कों का नाम बदलना सही है। इस पर हमें जनता की राय मिली है, जिसमें 71% लोगों ने हाँ कहा है और 29% लोगों ने ना के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है, यानी 71% लोग हाँ के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि इस सवाल के जवाब में कि क्या शहरों सड़कों का नाम बदलना सही है। आपने नेताओं की राय सुनी, आपने जनता की राय सुनी, अब मेरी छोटी सी बात यानी विजय व्यू। कुछ लोग काम तमाम करते हैं तो कुछ लोग नाम तमाम करते हैं। पार्टियों को ऐसा लगता है कि नाम बदलने से उन्हें बड़ा फायदा होगा, जैसे यूपीए सरकार ने कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कल का नाम बदलकर राजीव चौक और इंदिरा चौक किया था, लेकिन आज भी लोग इसे कनॉट प्लेस ही कहते हैं। अगर नाम बदल जाने से कांग्रेस का फायदा होना होता तो वो आज हाशिए पर नहीं होती। मेरा ये मानना है कि सरकार का काम गलतियां दोहराने का नहीं बल्कि उन गलतियों से सबक लेने का होना चाहिए, कि जनता को अगर ये लगता है कि वो गलत रास्ते पर जा रही है तो वो तुरंत टी पॉइंट या चौराहे से यू टर्न ले लेती है। सावधान, आगे रास्ता बंद है। और हमारे सभी जो मेहमान हैं उनका शुक्रिया, हमारे साथ सैयद जवाद साहब थे, जितेंद्र खुराना साहब, संगमलाल गुप्ता जी, सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, साध्वी कंचनगिरी जी और शेख अलीमुद्दीन जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शो के हमारे लास्ट सेगमेंट में इसको देखा क्या का ये वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपका कल आज से बेहतर हो। शुभ रात्रि, नमस्कार। न्यूज इंडिया देखा क्या, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल कॉन्टेस्ट, जिसमें हिस्सा लीजिए और दीजिए हमारे सवालों का सही जवाब। सही जवाब देने वाले विजेताओं को हम हर दिन देंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। हमारा आज का सवाल है, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं। सवाल का जवाब हम हर शुक्रवार न्यूज इंडिया के प्रोग्राम सत्य की विजय में देंगे।